सोलन वासियों को नगर निगम का तोहफा क्यों मिलना चाहिए, इसको लेकर सोलन वासियों ने अपनी राय मीडिया को दी। सोलन वासियों ने कहा कि वे काफी वर्षों से सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने की मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं, ये तोहफा सोलन को मिल सकता है, जिसको लेकर वे बेहद खुश हैं और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द सोलन को नगर निगम का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतें इसका विरोध भी कर रही हैं, जिन्हें नगर निगम में आने के बाद उन्हें उसका क्या लाभ होगा, ये समझाने की आवश्यकता है। शहरवासियों और नगर परिषद पार्षद ने इस मौके पर कहा कि नगर निगम के मामले पर सभी को अपनी राय रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोलन की जनसंख्या बेहद बढ़ चुकी है, नगर परिषद के बजट में इसका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए सोलन को जल्द नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सबसे ज्यादा विकास सोलन कर रहा है, लेकिन न ही इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया और न ही इसे अभी तक नगर निगम बनाया गया, जो सोलन शहरवासियों के साथ अन्याय है। नगर निगम बनने से सोलन को केंद्र से काफी बजट मिलेगा, जिससे सोलन का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि गांववासी इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने गांववासियों से आग्रह किया है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग करें। आज ये एक बड़ा विशेष मुद्दा है, जिसके ऊपर हम आपको खुल के बात रखनी चाहिए, क्योंकि जो ये आपका नगर निगम की बात हो रही है, नगर निगम अगर सोलन को बनाया जाता है, अगर आप आज तक जो है 2011 की सेंसस के हिसाब से आज तक सोलन की गणना करिए, 39,000 आबादी थी, इसलिए हमारा ये म्यूनिसिपल काउंसिल रहेगी। लेकिन अगर आप आज की 2020 की आबादी देखेंगे और इसके एडजॉइनिंग एरियाज देखेंगे, तो ये पॉपुलेशन बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और नगर निगम बनाने का जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी सोलन शहर की ही है। जबकि आप ये देखिए, हमारे को ना तो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, जबकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सोलन शहर में हुई है। तो हम मैं आपके माध्यम से एक बात ये रखना चाहूँगा कि आज की डेट में जो सोलन की पॉपुलेशन है, अगर ये महान निगम बन जाता है, सोलन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन जाती है, तो इससे बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो इससे आपको सबसे बड़ा, सोलन वासियों को शायद ना बताओ, इससे हमारा डायरेक्ट लिंक सेंटर से हो जाएगा। जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं उनको सेंटर से बहुत सी एड आती है, जिससे सोलन का चहुमुखी विकास होगा। और इसके अंदर मैं मानता हूँ कि कुछ गांव वासियों की बड़ी नाराज़गी है और वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो डीसी साहब के सामने दर्ज करा के आए हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडवे में बड़ी सोच रखेंगे, इनमें कोई उनके क्षेत्र अधिकारों में या कोई किसी तरह के अधिकारों में कमी नहीं आने वाली है, उससे उनके एरियाज़ की डेवलपमेंट ही होगी। मैं मानता हूँ कि आप कोई इसके अंदर जो डेवलपमेंट करें बड़े राइट वे में होनी चाहिए, क्योंकि अभी बड़ी हैजर्ड मैनर में सोलन की डेवलपमेंट हुई है। कोई लॉज को कोई जहां से देखा नहीं गया है। अभी आप देखें 5 मंजिल, 8 मंजिल, 6 मंजिल, सब तरह की यहां पर जो है बिल्डिंग हैं। इसलिए अब जो गांव वालों की चिंता भी एक तरह से सच्ची है, कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि उनकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है हर किसी की, कि उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ये देखिए, किसी भी चीज़ के गुड और बैड दोनों प्रभाव होते हैं। गुड प्रभाव ये रहेगा कि उनके गांव में रोड्स, लाइटिंग, पार्किंग्स, और उसके बाद सीवरेज, और उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरपोरेशन में आती है, और सोलन के अंदर जो है प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो टर्न होके मेयर में चली जाएगी, और जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसकी जगह कमिश्नर आ जाएगा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो इसके माध्यम से मैं ये गांव वालों को भी ये कन्विंस करवाना चाहूँगा कि हम 2020 की सदी में जी रहे हैं। आप जो है कंधे से कंधा मिलाकर सोलन शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जो ऐसा है कि बड़े बड़े शहरों में भी जो कॉरपोरेशन है, वहाँ किसी की ज़मीनों पर हक नहीं हो जाता, मालिकाना हक तो उन्हीं का ही रहेगा। वो हाँ, चाहे खेती करें, कुछ करें, चाहे अपने व्यवसाय को पूर्ण रूप से करें, लेकिन उनको शामिल होने में यहाँ से 100% बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। देखिए, मेरा मानना तो ये है, पिछले काफ़ी समय से सोलन में नगर निगम की मांग उठ रही है। जब धर्मशाला नगर निगम बना था, उसी समय सोलन का नगर निगम बना दिया जाना चाहिए था। यहाँ की ज़रूरत है, मांग है। नगर निगम बनने से सोलन में विकास कार्यों में बहुत तेज़ी आएगी। जितना भी फंड आता है सेंटर से आता है, छोटे छोटे काम के लिए जो हमें दरख्वास्त लगानी पड़ती है उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने जेई, एसडीओ को, ईओ को काम ही रखवाना, काम हो जाता है। जहाँ तक आपने बात करी है
पंचायतों के प्रधानों की, मैंने जैसा कि कल भी देखा डीसी को प्रधानों ने एक ज्ञापन सौंपा है जो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, हर एक बात उनकी ठीक है, विरोध करना जायज है, हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि उनके विरोध करने से क्या नगर निगम रुक जाएगी? सरकार अगर चाहे तो जनहित में कुछ भी कर सकती है नगर निगम बनना, बल्कि उनको प्रधानों का तो इसका सहयोग करना चाहिए नगर निगम बनाने के लिए, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं इस बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। नगर निगम बनने के लिए बहुत ज़्यादा जोश है, जैसा कि नगर निगम बनाने के लिए एक समिति भी गठित की गई थी, उस समिति ने भी बहुत कार्य किए हैं, इस नगर निगम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आज तक हमेशा से प्रयासरत है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। मांग करूंगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि सोलन को सबसे पहले नगर निगम का दर्जा दिया जाए।